गुड मॉर्निंग क्लास 12th स्टूडेंट। बेटा आज हम देखेंगे किरचॉफ लॉ के बारे में। किरचॉफ ने दो लॉ दिए थे, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ को हम बेटा जंक्शन रूल भी बोलते हैं या हम KCL भी बोलते हैं, किरचॉफ सर्किट रूल भी बोलते हैं उसे, ठीक है, किरचॉफ सर्किट लॉ, ठीक है। KCL का फुल फॉर्म हो जाएगा किरचॉफ सर्किट लॉ। फर्स्ट लॉ जिसको हम जंक्शन रूल बोलते हैं वो क्या है, पहले हम ये देख लेते हैं। इन अ नेटवर्क इन कंडक्टर द अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट रिएक्टिंग एट एनी जंक्शन ऑफ एनी सर्किट इज ऑलवेज जीरो। दिस लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। अब क्या बोल रहा है ये कि अगर किसी नेटवर्क में कोई कंडक्टर इस तरीके से लगा हुआ है कि कुछ करंट जो है वहाँ पर, जितनी भी करंट वहाँ पर रिएक्ट हो रही हैं, है ना, किसी जंक्शन पॉइंट पर जितनी भी करंट वहाँ पर रिएक्ट हो रही हैं उनका जो अल्जेब्रिक सम होगा वो क्या हो जाएगा, ऑलवेज ज़ीरो हो जाएगा। जैसे एक्सटेंशन बॉक्स होता है ना, एक्सटेंशन बॉक्स से हम 3-4 वायर्स निकालते हैं, ठीक है। तो एक वायर जो होता है जिसके अंदर करंट आ रही होती है और बाकी वायर जो प्लग्स हम उसके अंदर लगाते हैं उससे हम करंट लेते हैं ताकि हमारे दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स वहाँ पर चल सके। तो जो एक्सटेंशन बॉक्स हो गया बेटा हमारे लिए, वो क्या कहलाएगा, वो हमारे लिए कहलाएगा एक जंक्शन पॉइंट। अब उस जंक्शन पर जो करंट आ रही है, ठीक है, उस जंक्शन पर जो करंट आ रही हैं और जंक्शन से जो करंट जा रही हैं इनका अगर अल्जेब्रिक सम किया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो। जैसे कि एक जंक्शन पॉइंट हमने बना लिया, देखिए I1, I3 और I4, ठीक है, ये जंक्शन की तरफ जाने वाली करंट्स हैं और I2 और I5 है जो ये जंक्शन से दूर जाने वाली करंट है, ठीक है। तो अब इनका अल्जेब्रिक सम जब हम करेंगे तो ठीक है, आने वाली करंट है तो इनको हम कैसे लेंगे, प्लस साइन के साथ लेंगे, और जो निकल रही हैं उनको हम कैसे लेंगे, माइनस साइन के साथ मिलेंगे। तो देखिए I1 प्लस का हो जाएगा, माइनस का I2, प्लस I3 प्लस I4 एंड माइनस का I5 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा, जीरो। मतलब इनका अल्जेब्रिक सम क्या आ जाएगा, जीरो। या हम ये भी बोल सकते हैं कि जितनी करंट जंक्शन में आ रही है उतनी ही करंट जंक्शन में जा रही है, मतलब अल्जेब्रिक सम ऑफ जो इतनी भी आने वाली करंट रहेगी उनका अल्जेब्रिक सम और जितनी भी जाने वाली करंट रहेंगी उनका अल्जेब्रिक सम एक दूसरे के क्या होगा, इक्वल होगा। तो देखिए I1, I3 और I4 इक्वल किसके हो जाएंगे, I2 और I5 के, ठीक है। या हम बोल सकते हैं कि समेशन ऑफ I, टोटल I, जो टोटल करंट यहाँ पर फ्लो हो रही है वो कितनी है, ज़ीरो, ठीक है। तो ये किसका रूल है, इसे हम जंक्शन रूल बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर हम एक जंक्शन पॉइंट की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट होता है बेटा आपका सेकंड लॉ जिसको हम बोलते हैं लूप रूल या बोलते हैं KVL। KVL का फुल फॉर्म होता है बेटा किरचॉफ वोल्टेज लॉ, क्लियर। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द अल्जेब्रिक सम ऑफ EMF इन अ क्लोज्ड मैश और इन अ क्लोज्ड लूप ऑफ एन इलेक्ट्रिक नेटवर्क इज इक्वल टू द सम ऑफ प्रोड्यूस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट एंड करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस। दिस लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। यहाँ पर हम किसके बेस पर बात कर रहे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बेस पर बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आप ये देख लीजिए कि क्या बोला है, द अल्जेब्रिक सम ऑफ EMF इन अ क्लोज्ड मैश। अब क्लोज्ड मैश का मतलब होता है बेटा ऐसा सर्किट जिसके अंदर हम बड़ी आसानी के साथ एक पॉइंट से अगर चलना स्टार्ट करते हैं तो उसी पॉइंट पर कुछ देर बाद बड़ी आसानी के साथ में बिना किसी ऑब्स्टिकल के, बिना किसी रुकावट के उस पॉइंट पर वापस आ जाएं, तो वो क्या कहलाता है, लूप कहलाता है। उस लूप के बाहर करंट जो है वो फ्लो नहीं होगी, उसी लूप के अंदर करंट फ्लो होती रहेगी, है ना, और बार बार हम उस पॉइंट से आते रहेंगे और उसी पॉइंट से हम जाते रहेंगे, वहाँ पर हमें कोई भी रुकावट फील नहीं होगी, कोई भी ऑब्स्टिकल नहीं मिलेगा, बड़ी आसानी से हम उस लूप में अगर चल सकते हैं तो वो क्या कहलाता है, वो एक लूप कहलाता है, ठीक है। अब यहां पर उसने क्या बोला है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस, मतलब जो भी वहां पर करंट फ्लो हो रही होगी I, वो और उसका जो करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस होगा R, उनका जो प्रोडक्ट होगा मतलब I into R जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा ज़ीरो, मतलब उसके अंदर EMF जो जनरेट हो रहा है उसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। किसका प्रोडक्ट, I और R का जो प्रोडक्ट रहेगा वो उसमें जो EMF जनरेट हो रहा है उसके क्या हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा। अब EMF में भी ऐसा रहता है बेटा कि अगर हम EMF के अंदर क्या करेंगे, जब हम माइनस टर्मिनल से, है ना, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे तो EMF को हम पॉजिटिव लेंगे, और जब हम पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आएंगे तो E को हम नेगेटिव लेंगे,
ठीक है, क्लियर हो रहा है? अगर हम इस तरीके से चलते हैं कि ए से हम चले हैं तो हम प्लस से जब माइनस की तरफ जा रहे हैं तो ये ई टू क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब हम फिर ऐसे चले और जब हम माइनस टर्मिनल से प्लस टर्मिनल की तरफ जा रहे होंगे तो ई वन क्या हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें वैल्यू लेनी होगी ई वन और ई टू की, मतलब जितने भी ई एम एफ इस रास्ते पर आएंगे उनकी वैल्यू को हम इसी तरह से लेंगे। अब देख लीजिए जैसे कि ये डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है ना, तो हमने पहले लिया इन क्लोज लूप ए बी ई एफ ए, ए बी ई एफ ए, ए से हम चले हैं और घूम फिर कर वापस ए पर आना है। तो इस डायरेक्शन में हम चले बेटा, ठीक है, इस डायरेक्शन में हम चले ठीक है। अब यहाँ पर फर्स्ट तो हमको मिल रहा है आई वन और आर वन, ठीक है। अब आई वन और आर वन की अगर हम बात करते हैं तो आई वन और आर वन हम इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, हमारी करंट फ्लो होती है बेटा प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की तरफ, ठीक है। तो जब प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की तरफ करंट फ्लो होगी तो इस तरीके से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो ये आई वन आर वन को हमने ले लिया, तो यहाँ पर प्रोडक्ट हो गया आई वन इंटू आर वन, आई वन इंटू आर वन को हमने लिया, फिर हमको क्या मिला आई टू इंटू आर टू मिल गया। अब यहाँ पर क्या होगा, करंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एक करंट तो यहाँ से चली रही थी, फिर यहाँ पर एक करंट और मिल गई और हमको रेजिस्टेंस भी मिल गया, तो यहाँ पर क्या होगा, रेजिस्टेंस मिल गया है मतलब रुकावट आई है थोड़ी बहुत, तो हमारे पास में क्या कम हो जाएगा, करंट कम हो जाएगा। तो ये वाला तो दोनों को हम प्लस में लेंगे और आई टू और आर टू का जो प्रोडक्ट रहेगा उसको हम किस में लेंगे बेटा, माइनस में लेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़, हम प्लस से कहाँ चल रहे हैं, माइनस की तरफ चल रहे हैं, तो ई टू भी क्या हो जाएगा, तो ई टू को भी हम ले लेंगे माइनस साइन के साथ में। फिर हम वापस चले, अब हम जा रहे हैं माइनस टर्मिनल से प्लस टर्मिनल तक, तो इवन क्या हो जाएगा, इवन आएगा आपका पॉजिटिव। तो यहाँ पर जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आ जाएगी इवन माइनस ई टू इज इक्वल्स टू आई आर वन माइनस आई टू आर टू, ठीक है। अब नेक्स्ट लूप लेते हैं हम नीचे वाला बी सी डी ई बी, ठीक है, बी सी डी ई बी ये वाला लूप हमने ले लिया। अब इसके अंदर देखिए, अब यहाँ पर जो ई एम एफ है वो एक ही वर्क कर रहा है, वो कौन सा है, ई टू वाला। अब जब हम इस तरीके से चलेंगे तो हम माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं तो ई टू क्या हो जाएगा, हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। ई टू हमारा पॉजिटिव हो गया, माइनस से प्लस की तरफ हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ से चले बी सी आई थ्री आर थ्री, ठीक है, यहाँ से हम चलना स्टार्ट करें हैं, यहाँ से बी से चलना स्टार्ट करें तो आई थ्री आर थ्री आ गया हमारा पॉजिटिव में, फिर हम चलें तो ई टू तो आ जाएगा हमारा पॉजिटिव वाला। अब जब यहाँ पर चले तो फिर हमें ऑब्स्टिकल मिला आई टू आर टू, तो ये साइन हो जाएगा बेटा यहाँ पर माइनस का, ठीक है। तो आई थ्री आर थ्री माइनस आई टू आर टू। सिमिलरली अगर हम पूरा लूप ले लेंगे तो उसके अंदर भी यही चीज़ होगी कि हम ईवन से चलेंगे, यहाँ से चलना हमने स्टार्ट किया तो आई थ्री आर थ्री जो हो जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा और ये जो हो जाएगा वो निगेटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी लूप में क्या बता सकते हैं, इस तरीके से हम किसी भी लूप में डायरेक्शन बता सकते हैं कि किस तरीके से करंट फ्लो हो रही है और एंड में जाके उस लूप में कितनी करंट बन रही है। अगर यहाँ पर ज़्यादा हमने रेजिस्टेंस लगा दिए है ना, अभी तो हमने एक ही रेजिस्टेंस लगाया है, अगर रेजिस्टेंस हम लगाते जाएंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप वहाँ पर हमें मिलता जाएगा, जब पोटेंशियल ड्रॉप हमें मिलता जाएगा तो करंट पर भी उसका इफेक्ट बेटा बैठेगा। तो कितनी करंट हमें लास्ट मोमेंट में मिलेगी ये हम किसी सर्किट से निकाल सकते हैं करंट की वैल्यू।